नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देहरादून के उसी मैदान में जनसभा की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, इसीलिए तुलना होनी स्वाभाविक है। वैसे तो राहुल गांधी ने इस रैली में बहुत सी बातें कही है, वो बलिदान, बेरोजगारी, महंगाई और पूंजीपतियों पर खूब बोले हैं, 30 मिनट तक बोले हैं, लेकिन दो बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा की जानी जरूरी है। नंबर एक, राहुल गांधी ने कहा उत्तराखंड और मेरे बीच कुर्बानी का रिश्ता है, वो सैनिकों और पूर्व सैनिकों की शहादत और अपनी दादी और पिता के बलिदान की बात कर रहे थे। इसके साथ दूसरी बात उन्होंने यह कही कि देश एकजुट था, इसीलिए 1971 में केवल 13 दिनों में पाकिस्तान को हराया जा सका, वरना तो यह जंग सालों चलती, जंगे वैसे भी सालों चलती है। अगर हिंदुस्तान के लोग तब एक दूसरे से लड़ रहे होते, देश बटा होता, तो 13 दिन में जीत नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा पाकिस्तान बटा था इसलिए हार गया। यह बड़ी बात है और उत्तराखंड कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की ओर से गुरु मंत्र भी है। आज उत्तराखंड में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, इसीलिए राहुल गांधी की यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि जंग हथियारों से नहीं, इच्छा शक्ति से जीती जाती है, एकजुट होकर जीती जाती है, लड़ी जाती है। अब पता नहीं हरीश रावत और उत्तराखंड कांग्रेस उनकी इस बात को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, इस बात से कितनी बड़ी सीख ले पाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आइए पहली बात पर आते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड और उनके बीच बलिदान का रिश्ता है। उनकी बात को कुछ बिंदुओं के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। नंबर एक, अचानक से उत्तराखंड का चुनाव सैनिकों और पूर्व सैनिकों पर फोकस हो गया है। नंबर दो, उत्तराखंड के सैन्य धाम की काट उत्तराखंड की कांग्रेस के पास किसी बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर अभी तक नहीं है, इसीलिए 1971 को याद किया जा रहा है। नंबर तीन, कांग्रेस की रैली का ही असर है, भाजपा ने एक दिन पहले सैन्य धाम की नींव की ईंट रखी और 16 दिसंबर की शाम के समय पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित कर दिया, 16 दिसंबर यानी कि राहुल गांधी की रैली की शाम को। नंबर चार, कांग्रेस ने रैली स्तर पर जनरल बिपिन रावत के बड़े बड़े कटआउट लगाए जिस पर राजनीति भी हो गई, भाजपा ने इस पर ऐतराज भी जताया। मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि कल तक बिपिन रावत को जो गली का गुंडा कहते थे आज उनके बड़े बड़े कटआउट लगा रहे हैं। नंबर पांच, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले, देश की सेना से जुड़े लगभग 17.5% लोग उत्तराखंड से आते हैं। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में बन रहे सैन्य धाम को उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा है। 3 लाख से ज्यादा मतदाता सैनिक और पूर्व सैनिकों से किसी न किसी तरीके से संबंध रखते हैं, उनके परिवार, रिश्तेदार और दोस्त नातों के तौर पर, यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस धाम के जरिए राज्य के 1734 शहीदों के घर की मिट्टी एकत्र की गई है, इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका और उत्तराखंड का रिश्ता बलिदान का रिश्ता है। इसको सैनिकों और पूर्व सैनिकों के वोट बैंक और मौजूदा प्रदेश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है। वो उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को लेकर होने वाली राजनीति को समझते हैं। इससे यह तो तय हो गया है कि हरीश रावत ने उत्तराखंड में चुनाव के लिए 4 मुद्दे सेट किए, भ्रष्टाचार, खनन, बेरोजगारी और महंगाई। लेकिन अब लग रहा है कि 2022 का यह चुनाव, यह राजनीतिक जंग सैनिकों और पूर्व सैनिकों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। देखते हैं अगला चुनावी मुद्दा प्रदेश की राजनीति में क्या आता है। इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।